सबसे पहले तो ये लाल ग्रह मंगल है, रेड कलर का है, इसका मतलब है कि इनका जो गुस्सा है, जो एंगर है, ये बहुत ज्यादा होता है। तो फिर यही पावरफुल कॉम्बिनेशन, धमाके मचाने वाला कॉम्बिनेशन सूर्य और मंगल का ईगो के क्लैश में फंस कर बेकार हो जाता है। क्या है ग्रहों की चाल, सनातन रीतियों और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से अंकों की इस रहस्यमय दुनिया को देखेंगे, सितारों के राज खोलेंगे। राधे राधे। एस्ट्रोरन पंडित यूट्यूब चैनल के साथ आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 9 के बारे में। मूलांक 9 यानी कि आपका जन्म अगर किसी भी महीने की 9 तारीख को, 18 तारीख को या फिर 27 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 9 माना जाएगा। अंक ज्योतिष न्यूमरोलॉजी में मूलांक 9 वालों को रूल करता है लाल ग्रह मंगल। अब इस ग्रह की संरचना से बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है 9 तारीख से रूल होने वाले लोगों को। अब देखिए, सबसे पहले तो ये लाल ग्रह मंगल है, रेड कलर का है, इसका मतलब है कि इनका जो गुस्सा है, जो एंगर है, ये बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर देखा गया है कि नंबर 9 से जो लोग रूल होते हैं उनका टेम्परामेंट शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, फालतू की चीज़ें जैसे ही आती हैं इनके सामने तुरंत इनका गुस्सा बाहर आ जाता है, ये फट पड़ते हैं। दैट इज़ वाई अपने एंगर की वजह से, गुस्से की वजह से कई बार मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होती हैं इनको। कई बार दोस्त कम हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं और बिल्कुल भी नहीं सोचते कि किसको क्या अच्छा लगेगा, किसको क्या बुरा लगेगा। इनको मतलब होता है बस सही बात कहने से। दैट इज़ वाई लोग इनके दुश्मन बन जाते हैं, इनको पसंद नहीं करते हैं। ये बहुत अच्छी क्वालिटी मैं जनरली मानता हूँ कि अगर आपके अंदर है, बहुत साफ साफ आप बोल देते हैं, तो ऐसे लोगों को बाकी के लोगों को इनकरेज करना चाहिए। तो मैं आपके साथ हूँ इस क्वालिटी में, बट क्या करें, दुनिया है, अलग अलग तरह के लोग हैं, रहमन इस संसार में भांति भांति के लोग, तो आपको इस क्वालिटी पे थोड़ा सा कंट्रोल ज़रूर रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त लोगों को हिदायत दें, सही सही बोल दें, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। और डिप्लोमेसी से मुझे याद आया कि नंबर 9 वालों को डिप्लोमेसी बिल्कुल नहीं आती है। इनको बिल्कुल नहीं पसंद है कि तोड़ मोड़ के, घुमा फिरा के कोई इनसे बात करे, क्योंकि ये खुद भी ऐसी बातें किसी से नहीं करते हैं। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति इनके पाले पड़ जाता है जो इस तरह से डिप्लोमेसी करता है, घुमाने की कोशिशें करता है, तो नंबर 9 वालों उससे खफा हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और अक्सर ऐसे लोगों से वो दूर ही रहते हैं। नंबर 9 वालों, आपकी दूसरी खासियत ये है कि मंगल पे आजकल जीवन धूड़ा जा रहा है, उसे भी पृथ्वी की तरह ही खूबसूरत ग्रह बनाने की तैयारी हो रही है। तो यस, नंबर 9 वाले अक्सर नंबर 9 वाले बहुत खूबसूरत होते हैं, सुंदर होते हैं, इतने चार्मिंग होते हैं, इनकी पर्सनालिटी इतनी प्यारी होती है कि अपोजिट सेक्स से बहुत जल्दी इनके तरफ आकर्षित हो जाते हैं। नंबर 9 वाले लोग यानी कि जिनका मूलांक 9 है, इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप्स अक्सर हो जाते हैं, क्योंकि ये इतने खूबसूरत हैं, लोग इनके पास खींचे चले आते हैं, इनमें इनकी कोई गलती नहीं है। तीसरी इनकी क्वालिटी होती है डिसिप्लिन, अनुशासन। ये बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं अपने लाइफ को एक सिस्टमेटिक तरीके से जीने में, अपने काम को एक सिस्टमेटिक तरीके से रखने में। दैट इज़ वाई नंबर 9 आप जहाँ भी मिलेंगे, जिसको भी मिलेंगे, हमेशा अनुशासित मिलेंगे, अपने काम को समय से पूरा करने वाले मिलेंगे। चौथी क्वालिटी इनकी है बॉसी नेचर। नंबर 9 ऐसा नंबर है जो कि कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहता है, पावर अपने हाथ में रखना चाहता है। अब कुछ नंबर 9 इसको मैनेज कर ले जाते हैं, कुछ नंबर 9 एक्सेस में ये कंट्रोलिंग नेचर के हो जाते हैं। अब कोई भी कंट्रोलिंग नेचर का होगा, बॉसी नेचर का होगा, डोमिनेटिंग नेचर का होगा, तो उसके साथ रहना बाकी लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। सो नंबर 9 अक्सर देखा गया है कि आप अपने फैमिली में बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो आपके अगर कोई बच्चे हैं उनके तो बहुत ही ज़्यादा खौफ रहता है आपका। नंबर 9 साथ ही साथ अगर किसी नौकरी चाकरी में फंस जाते हैं और सैलरी के लिए ही काम करना पड़ जाता है, मजबूरी बन जाती है, तो अपनी नौकरी में, अपने जॉब में सेटिस्फैक्शन बहुत कम मिलता है, क्योंकि ये ऑर्डर देने वाले लोगों में से हैं। ऑर्डर लेना नंबर 9 को पसंद नहीं होता है। इनको आप अगर कोई भी ऐसा काम दे दो जिसमें बागडोर इनके हाथ में है, तो डिसिप्लिन से वो काम करेंगे, पूरी अथॉरिटी से वो काम करेंगे, प्लस दूसरों से काम कैसे निकलवाना है ये बहुत अच्छा आता है। और अक्सर देखा गया है कि नंबर 9 वाले जब लीडर बनते हैं तो दूसरे इनके भक्त बन जाते हैं और इनके लिए काम करना उनको अच्छा लगता है, क्योंकि अनुशासन के साथ सही समय पे जब कोई भी काम खत्म करेगा तो रिवॉर्ड भी तो मिलेगा भाई। इसी तरह से नंबर 9 वाले बॉसी नेचर के हैं। इनको मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि कोशिश करिए कि आप अपना खुद का कोई व्यवसाय करें, आप अपना खुद का कोई काम करें। वीडियो के एंड तक बात करेंगे कि आपको कौन से काम सूट करते हैं जिसमें आप जा सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए इस बात को यहाँ पे ख़त्म करते हैं।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पावर की। नंबर 9 पावर हंगरी होता है। नंबर 9 के अंदर इतनी एनर्जी होती है, इनके बॉडी में इतना एनर्जेटिक माहौल बना रहता है कि हर टाइम और ओवर टाइम, दोनों चीज़ें हर टाइम और ओवर टाइम ये काम कर सकते हैं, काम निकलवा भी सकते हैं। दैट इज़ वाई कई बार अपने फैमिली के अंदर जब ये अपना ये रूप निकाल के बाहर रखते हैं तो इनके परिवार वाले भी इनसे थोड़ा डरते हैं, इनसे आँख चुरा के भागते हैं। अगर ये टीम लीडर हैं तो जो इनके कलीग्स हैं, जो इनके जूनियर्स हैं, वो भी इनको एक खड़ूस बॉस की तरह देख सकते हैं। नंबर 9 वालों, आपकी जो अगली क्वालिटी है वो है आपकी एनर्जी से ही जुड़ी हुई, यानी कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। आप लोग अक्सर देखे गए हैं कि किसी ना किसी स्पोर्ट्स में, किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में आपका दिन गुजरता है, तो आप या तो जिम जा रहे होंगे या तो आप योगा कर रहे होंगे, आपको ये सारी चीज़ें पसंद होगी। किसी ना किसी तरह का स्पोर्ट्स आप ज़रूर खेल रहे होंगे, चाहे अपने स्कूल लाइफ में खेला हो, कॉलेज लाइफ में खेला हो, या फिर अभी फ़िलहाल खुद को एक्टिव रखने के लिए, खुद को हेल्दी रखने के लिए आप कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। और अक्सर नंबर 9 वाले स्पोर्ट्स की फील्ड में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन करते हैं। पीटी उषा नंबर 9 की थी जहाँ तक मुझे याद है, पेले नंबर 9 के थे जहाँ तक मुझे याद है, और ऐसे तमाम क्रिकेटर हैं, तमाम फुटबॉलर हैं जो नंबर 9 से रोल होते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि अगर वो इस तरफ डायरेक्ट ना करें, इस डायरेक्शन में ना जाएं, तो ये बीमार हो जाते हैं, क्योंकि वो एनर्जी फिर कहीं तो यूज़ करनी पड़ेगी। तो सबसे अच्छा मेथड भी यही होता है कि आप जिमिंग करें, योगा करें, स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, ताकि आपकी जो एक्सेस एनर्जी है वो एक सही डायरेक्शन में यूज़ हो सके। एस्ट्रोलॉजी में जब मंगल ग्रह देखा जाता है किसी की कुंडली में, ज्योतिष विज्ञान में, तो मंगल ग्रह मुख्य तौर से शादी, मैरिज, मांगलिक कार्य, इसका नाम ही मंगल इसलिए रखा गया है क्योंकि ये मांगलिक कार्य करवाता है। साथ ही साथ मंगल गाड़ियों से बहुत ज़्यादा इसको रिश्ता है रखा गया है। अक्सर देखा गया है कि अगर आपका मंगल खराब होता है कुंडली में तो आपके एक्सीडेंट बहुत होते हैं, आप गाड़ियों से चोट आपको बहुत लग जाती है, आप कई बार खड़े रहते हैं, गाड़ी आके आपको ठोक के चली जाती है। तो अक्सर देखा गया है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 9 3 बार आ रहा है या 3 बार से ज़्यादा आ रहा है, तो आप एक्सीडेंट प्रोन हो जाते हैं, आपको दुर्घटना हो जाती है, आप चलते चलते गिर जाते हैं, आपको गाड़ियों से चोट लग सकती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि नंबर 9 मैरिज का भी होता है, कहते नहीं हैं कि आप मांगलिक हो, आप मांगलिक नहीं हो, इसका मतलब ही ये होता है कि मैरिज और मंगल कार्य में नंबर 9 का बहुत बड़ा यूजफुलनेस है। आप देखिए 9 ग्रह 9 ही हैं, न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 तक ही नंबर है, तो नंबर 9 सृजन का नंबर है, नंबर 9 क्रिएटिविटी का नंबर है। कई नंबर 9 आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत क्रिएटिविटी होंगे, इसका मतलब है कि इनके ज़रिए कोई नई चीज़ पैदा हो जाती है, ये कुछ नया क्रिएट कर देते हैं। नंबर 9 एक मैजिकल नंबर भी है न्यूमरोलॉजी के अंदर, कैसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा। नंबर 9 एक ऐसा एकमात्र नंबर है, इसके साथ आप कोई और नंबर ऐड करो तो वही नंबर वापस आपको मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नंबर 9 में आप 5 ऐड कर दीजिए तो टोटल होगा 9 5 14 14, को फिर से ऐड करिए 1 4 5, तो आपने 5 ही ऐड किया था, घूम फिर के आपको फिर 5 मिल गया। नंबर 9 में आप लेट सपोज 2 ऐड करिए 11, 1 + 1 फिर से 2 आ गया। तो 9 ऐसा मैजिकल नंबर है, इसके साथ आप कुछ भी ऐड करोगे तो वो चीज़ आपको वापस मिल जाएगी, और ये चीज़ बताती है हमारी अगली क्वालिटी के बारे में। यानी कि अगर नंबर 9 के साथ आप लोग प्रेम दिखाएंगे, उनको धीरे धीरे प्यार ऐड करेंगे उनकी लाइफ में, तो ये खुद को भूलकर आपके हो जाएंगे, समझे? जैसे इनके साथ कोई भी ऐड हो रहा है तो ये अपना अस्तित्व खो रहे हैं और आपको वापस दे रहे हैं। लेकिन अगर यहीं पर नंबर 9 के साथ आप नंबर 9 को ऐड करेंगे, नंबर 9 के साथ आप गुस्से वाला काम करेंगे, परेशान करेंगे इनको बार बार, इनको ऐसा डिप्लोमेसी करेंगे या फिर कुछ भी करिए, इनका टेंशन और स्ट्रेस बढ़ा देंगे, तो ये नंबर 9 + 9 फिर से 9 वापस आ जाएगा और लाल ग्रह मंगल का भयानक रूप आपको देखने को मिल सकता है। अक्सर देखा गया है कि अगर आपका मूलांक 9 है तो आप बहुत अच्छा कन्वर्सेशन करते हैं, आपकी भाषा की शैली पे इतनी मजबूत पकड़ होती है कि आप अपने थॉट्स को, अपने विचारों को बहुत अच्छे माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं, बट ऑन द अदर हैंड अपने दिल की बात जल्दी किसी को नहीं बताते। यानी कि अगर आप दिल से दुखी होंगे तो शायद ही कोई है जो इस बात को जान पाए, क्योंकि आपको बिल्कुल नहीं पसंद है कि आप कमज़ोर दिखें किसी के सामने। सो अक्सर देखा गया है कि नंबर 9 वाले अंदर ही अंदर सारे दुख झेल ले जाएंगे, बट अपने आप को कभी किसी के सामने कमज़ोर दिखाना इनको गवारा नहीं है। इनकी सेल्फ इस्टीम बहुत हाई होती है, और इनकी सेल्फ इस्टीम पर चोट पहुँचाई अगर किसी ने तो शायद वो उसकी लाइफ की लास्ट गलती होगी। सो नंबर 9 आपको बहुत ज़्यादा
ध्यान रखना चाहिए कि हर चीज़ अपने मन में मत रखिए, हर चीज़ अपने दिल में मत रखिए। कोई ना कोई आपकी लाइफ में ज़रूर होगा जिससे आप अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, जिससे आप अपने दिल के दुख और सुख दोनों बांट सकते हैं। मैं कुछ चीज़ें और बताता हूँ जो नंबर 9 को ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप यंग एज के हैं, आप बहुत एनर्जेटिक हैं, आपके अंदर बहुत एनर्जी है, उसको एक सही डायरेक्शन में डाइवर्ट करिए। जैसे कि आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जैसे मैंने पहले बताया, उसमें जाइए, वो चीज़ करिए, जिम करिए। आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एक्सेस एनर्जी को बाहर निकालें, अदरवाइज आप लड़ाई झगड़ा खूब करोगे, आप मारपीट में खूब फंसोगे, आप दूसरे की लड़ाई होगी तो आप जाके उसके बदले लड़ाई झगड़े करने लग जाओगे, ठीक है, जिस वजह से आपके ऊपर कोर्ट केस हो सकता है। नंबर 9 वाले बहुत प्रोन होते हैं कि इनके ऊपर कोई ना कोई कोर्ट केस कर देता है, FIR कर देता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। नंबर 9 आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि परिवार है, फैमिली है, वहाँ पर एक हद से ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर, डोमिनेटिंग नेचर नहीं अपनाना है, अदरवाइज़ लोग आपसे प्यार कम करेंगे, डरेंगे ज़्यादा। नंबर 9 आपको जो अगली चीज़ ध्यान में रखनी है अपने लिए, वो ये रखनी है कि आपका जो बॉसी नेचर है, आपकी जो हाई सेल्फ इस्टीम है, आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी हाई सेल्फ इस्टीम रखते हैं, बट कहीं कहीं प्यार के लिए झुकना भी पड़ता है, झुकना बहुत अच्छा होता है। इसी झुकने से मुझे याद आया कि नंबर 9 अगर कभी कभी किसी से सच्चा प्यार कर ले तो फिर पूरी दुनिया के सामने इजहार करने से नहीं डरता है, और जैसे मैंने पहले कहा कि नंबर 9 अपना अस्तित्व खो देता है और उसी का होके चला जाता है। तो कई बार ये चीज़ आपको धोखे बर्दाश्त नहीं होते हैं और फिर आप बहुत इंपल्सिव हो जाते हैं, इंपल्सिव होके आप बहुत लाइफ में गलत डिसीजन भी लेते हैं। दैट इज़ वाई मेरा आपको लास्ट सजेशन यही है कि आपको मेडिटेशन, ध्यान और जो भी चीज़ें आपको शांत करें वो करनी चाहिए। बात करते हैं नंबर 9 की, मूलांक 9 को कौन सी हेल्थ डिजीज़ हो सकती है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया, आपको दुर्घटना हो सकती है। दुर्घटना होने की वजह से कभी बार आपकी सर्जरी होते हुए भी देखा गया है, लाइफ में एक बार आप सर्जरी के थ्रू ज़रूर गुजरते हैं। थर्ड थिंग आपको देखा गया है कि आपको ब्लड रिलेटेड, जैसे लाल ग्रह मंगल, लाल ही हमारे ब्लड का रंग होता है, तो ब्लड रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। थर्ड थिंग, आपका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो जाता है, इंपल्सिव नेचर हो जाता है आपका, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। तो ये मेन प्रॉब्लम है जो आपको हो सकती है। आगे बात करते हैं कि मूलांक 9 के लिए बेस्ट करियर फील्ड कौन सी रहेगी। मूलांक 9 आप हर उस काम में एक्सेल करेंगे जिसमें आपका कंट्रोल ज़्यादा होगा, आप बिजनेस बहुत अच्छा करेंगे। नंबर 9 मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको रियल इस्टेट में कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर, ऐसी पोजीशंस में ज़रूर अपना हाथ आजमाना चाहिए। नंबर 9 आप बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं अगर आप जिम खोल लें अपना खुद का। नंबर 9 आप आयरन के बिजनेस, क्योंकि आयरन भी कहीं ना कहीं मस्कुलिन है, पावर रिप्रेजेंट कर रहा है, आप बहुत अच्छा करते हैं आयरन के बिजनेस में। आप पॉलिटिक्स में तो धुएंधार एकदम गजब का कमाल करते हैं। नंबर 9 आप बॉलीवुड में, आप एक्टिंग के लाइन में, आप क्रिएटिव फील्ड में भी बहुत अच्छा करते हैं। कितने राइटर, कितने एक्टर हैं जो नंबर 9 से रोल होते हैं। सलमान खान सबसे बड़े एग्जांपल हैं आज बॉलीवुड इंडस्ट्री में, उनसे बड़ा नाम शायद ही कोई हो। अक्षय कुमार नंबर 9 से रोल होते हैं, ये दोनों ही क्रिएटर नंबर 9 के हैं और अपनी एनर्जी को सही जगह लगा रहे हैं। इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा आता है तीसरे नाम में। प्रियंका चोपड़ा भी देश में तो नाम किया ही, विदेश जाकर भी बहुत सारा नाम फैला रही हैं और काम कर रही हैं। तो इस तरह से आप स्पोर्ट्स भी आपको बहुत ज़्यादा सूट करता है, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, तो आप स्पोर्ट्स में भी अपना करियर बना सकते हैं। नंबर 9 आपके लिए सोलमेट नंबर, आपके लकी नंबर। अक्सर देखा गया है कि आपकी बहुत ज़्यादा ट्यूनिंग मैच होती है नंबर 3 के साथ, आपकी ट्यूनिंग मैच होती है नंबर 2 के साथ। नंबर 2 आपको काम रखते हैं, शांत रखते हैं, बहुत ज़्यादा आपको बौखलाने का या फिर गुस्सा होने का मौका नहीं देते हैं। नंबर 1 के साथ आपकी रिलेशनशिप कई बार देखी गई है कि दुहाइयाँ दी जाती हैं ऐसी रिलेशनशिप की, कंपैटिबिलिटी की, और कई बार आप लोगों के अंदर झगड़ा भी हो जाता है। इसका रीज़न है, नंबर 1 एक पावरफुल नंबर है, जैसे आप हैं, तो अगर आप दोनों के पास ईगो है अपना अपना, आप अगर कंपैटिबिलिटी के साथ काम करते हैं तो ये समझ लीजिए दो बहुत पावर हाउसेस एक साथ मिल गए हैं, तो ये धमाका तो मचाएंगे। बट अगर आपके अंदर किसी के भी अंदर कपट आ गया, चोरी आ गई, या फिर बातें एक दूसरे से शेयर करना आपने बंद किया नंबर 1 और नंबर 9 ने, तो फिर यही पावरफुल कॉम्बिनेशन, धमाके मचाने वाला कॉम्बिनेशन सूर्य और मंगल का ईगो के क्लैश में फंस कर बेकार हो जाता है। तो नंबर 1 के साथ भी आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है, बट कुछ सावधानियां वहाँ पे आपको रखनी पड़ती है। अवॉइड कौन से नंबर करने हैं आपको, नंबर 4 और नंबर 8 तो टोटली अवॉइड करने हैं, साथ ही साथ नंबर 5, इसके साथ भी आपका बड़ा ही अच्छा है। वैसे तो नंबर 5 वाले एडजस्टिंग नेचर के हैं, वो आपके साथ जेल अप हो जाते हैं, बट नंबर 5 की एक क्वालिटी है, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ये बात करने के बड़े चतुर होते हैं, बट ये बात करने में डिप्लोमेसी का बहुत यूज़ करते हैं।
नंबर 5, किसी को कन्विंस करके जरूर मानता है अब वो उसको चाहे जैसे करना पड़े। और नंबर 9 को ये चीज़ नहीं पसंद है। तो दैट इज़ वाई काफ़ी हद तक आप लोग मैच जरूर करेंगे, बट ऑन द अदर हैंड ये वाली जो क्वालिटी है नंबर 5 की, ये नंबर 9 को नहीं पसंद आती है। तो फिर यहाँ पे पूरा 100% सेटिस्फैक्शन नहीं होता है रिलेशनशिप में। सो ये थे आपके लकी नंबर और किन नंबरों से क्या सावधानियाँ रखनी है उसके बारे में। आपका लकी कलर जो होगा वो तो सबसे पहले तो आपको रेड कलर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ आपके अंगर को बढ़ा रही है तो उसको क्यों लाइफ में और ऐड किया जाए। ओके, कलर रेड को आप टोटली अवॉइड कर दीजिए, ब्लैक कलर को टोटली अवॉइड कर दीजिए, डार्क ब्लू को टोटली अवॉइड कर दीजिए। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो सिर्फ लाइट कलर्स को यूज़ करिए, डार्क कलर्स को अवॉइड करिए। जितना भी हो सके थोड़ा मेडिटेशन ज़रूर करिए, ध्यान ज़रूर लगाइए, दिल को ज़रूर शांत रखिए। आप मदर ऑफ पर्ल, साउथ सी पर्ल, फ्रेश वाटर पर्ल ऐसे स्टोन्स पहन सकते हैं, सिल्वर आप अपनी बॉडी में पहन सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेंगे। तो ये था मूलांक 9 के बारे में सब कुछ। इसी तरह के एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री से जुड़े वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए राधे राधे।